वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट के अंतर्गत मेडिकल टेट के प्रश्न पत्र के, ठीक है ना, और ये रहेगा जीके सेक्शन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया था, शिमला म्यूनसिपैलिटी कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो जो शिमला म्यूनसिपल है, इसकी जो कमेटी की स्थापना की गई थी, ये की गई थी 1851 में। यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, वीडियो में जो पीडीएफ का स्ट्रक्चर आपको दिखाएगा थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे जाएगा, इसलिए आप मेरी आवाज़ पर पूरा फोकस रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 122, हिमाचल प्रदेश का कौन सा स्थान एशिया के आड़ू के कटोरे के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजगढ़। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। जो राजगढ़ है कहाँ पर पड़ता है? सिरमौर में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 143, इसमें पूछा गया है 1948 के सुकेत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था पंडित पद्मदेव के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री एक बीघा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था 20 मई 2020 को। क्या है? 21 मई 2020 को, ठीक है ना। यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं विपिन सिंह परमार। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। विपिन सिंह परमार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 17वें अध्यक्ष बने हैं। आगे है, जस्टिस हिमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो ये थी तेलंगाना की। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 2 जून 2021 को किस देश का सबसे बड़ा नौसैनिक जहाज जिसका नाम था द खरग आग लगने के बाद डूब गया था? तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा ईरान का था वो जहाज। आगे है, इसरो PSLV C-51 रॉकेट से उपग्रह जिसका नाम था एमेजोनिया 1 को लॉन्च किया जा रहा है, और ये एमेजोनिया 1 किस देश से संबंधित है, ठीक है ना, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ब्राज़ील से संबंधित होगा ये। डी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, अनफिनिश्ड मेमोरियल किस बॉलीवुड सेलिब्रिटी की आत्मकथा है? तो ये जो आत्मकथा है अनफिनिश्ड मेमोरी, तो ये हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा की आत्मकथा। अगला प्रश्न है, कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है? तो ये की है विकल्प भी PM केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है ना। बी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, 131 ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पेरिस में। बी सही विकल्प होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, 132 हाल ही में चर्चा में रहे हिसरगट्टा घास के मैदान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो घास का मैदान होगा ये कर्नाटक में स्थित होगा। 132 का यहाँ पर सही विकल्प ए रहेगा। अगला प्रश्न है, 133 इसमें पूछा गया है, आयुर्वेद वर्ष 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया था? तो जो आयुर्वेद पर्व 2021 है इसका आयोजन किया गया था ओडिशा में, ठीक है। यहाँ पर 133 का सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा मतदाताओं की आयु घटाकर 18 की गई थी? तो ये की गई थी 61वें संशोधन के द्वारा। 134 का सही विकल्प यहाँ पर ए हो जाएगा। 61वें संशोधन के द्वारा जो 21 साल से 18 वर्ष की उम्र की गई थी, 134 का सही विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 135, भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहां पर बनाया जा रहा है? तो यहां पर मुझे थोड़ा सा सस्पेंस है, ये भुवनेश्वर या राउरकेला इन दो में से एक हो सकता है। आप डी मान सकते हैं इसका सही विकल्प। अगला प्रश्न है, ब्रजेश्वरी धाम मकर संक्रांति मेले को राज्य स्तरीय घोषित किया गया है, ये कहां पर मनाया गया है ये मेला, ब्रजेश्वरी धाम मेला? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, कांगड़ा। तो जो ब्रजेश्वरी धाम मंदिर है यहाँ पर मकर संक्रांति मेला मनाया जाता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखिएगा। ब्रजेश्वरी धाम यहाँ पर मकर संक्रांति मेला मनाया गया था। तो ये पूछा गया है कहाँ पर है ये ब्रजेश्वरी धाम, तो ये कांगड़ा में होगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को
सही तरीके से कार्यान्वित करने के लिए किस जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना थी, इसको सही ढंग से किसने शुरू किया था और किसको इसके लिए अवार्ड दिया गया था? शिमला को। यहाँ पर ए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 138 अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती है? तो ये आती है पीर पंचाल श्रृंखला के अंतर्गत। देखिए दोस्तों, यहाँ से देख सकते हो किस तरह की ब्लर पिक्चर, उतना थोड़ा दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप कॉपरेट करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 139 उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किस स्वर्गीय प्रधानमंत्री की 101 जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी की थी? तो ये थे आई के गुजराल। 139 का सही विकल्प यहाँ पर ये हो जाएगा, आई के गुजराल के लिए ये श्रद्धांजलि दी गई थी और ये डाक टिकट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, 140 इसमें पूछा गया है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये थी नृत्य करती हुई बालिका की। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने पहली बार 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया था? तो जो 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो ये किया गया था 1969 में। सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा था? तो ये रहा था केरल। और जो दूसरे स्थान पर दो राज्य रहे थे, उनके नाम भी आपको बताने हैं कि वो कौन कौन से नाम हैं, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ। अगला प्रश्न है, अमेजोन ने अपना पहला डिजिटल केंद्र भारत के किस राज्य में लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गुजरात के सूरत में, ठीक है। आगे है, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्र को प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिया अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये नवाजा गया है अमर्त्य सेन को। किस अवार्ड से नवाजा गया है? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरिया। आगे है, योसोंग फेस्टिवल बाद सेलिब्रेटेड इन, तो बताना है कि जो योसोंग त्यौहार है ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे है, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये किया गया है गति को। यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए एक मुक्ति कारवा, क्या था ये, मुक्ति कारवा नामक अभियान शुरू किया था, ठीक है ना। तो बताना है ये किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया था? ये किया गया था बिहार के द्वारा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 10 फरवरी 2020 को वितरित 92 ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर नवाजा गया था? पैरासाइट मूवी को ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। सी सही विकल्प हो जाएगा। आगे है, शिक्षा अष्टक की रचना किसने की थी? तो ये हो जाएंगे चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पर डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल सिर्फ ब्राह्मणवाद जैन और धर्म बौद्ध धर्म की वजह से अपने को प्रसिद्ध किए हुए था? तो ये कौन सा स्कूल था? ये था मथुरा कला विद्यालय। तो जो मथुरा कला विद्यालय, यहाँ पर ब्राह्मणवाद जैनिज्म और बौद्धिज्म की शिक्षा प्रदान की जाती थी, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा सी। हाँ, यहाँ पर बहुत से प्रश्न ऐसे थे जो ब्लर थे, इसलिए थोड़ा सा आप कॉपरेट करिए, जो जो मैंने कहा है उस पर अपना फोकस रखिएगा, ठीक है ना। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।